सो गाइज नाउ वंस अगेन विद अनदर धांसू सुपर डुपर वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आपको एआई का एक और नमूना दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप उस नमूने से बहुत अच्छा खासा ऑनलाइन रेवेन्यू सोर्स जनरेट कर सकते हो। जी बिल्कुल सही सुना, इसलिए मैं आज आपको ना, देखो एआई जो है वो मेरा कोर है। जब से ये एआई जो दुनिया में आने शुरू हुए हैं, ये टूल्स खासकर जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बोलो या फिर आप किसी डिजाइनिंग एडिटिंग किसी से भी रिलेटेड बोलो, मैं एआई टूल्स का काहिल हूं और मैं उस पर कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहा हूं इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको बस चैनल पे जाना है, वीडियो सारे देख लेने हैं और आप एआई से बिल्कुल रूबरू हो जाओगे अगर आप नए हो मेरे व्यूअर तो। वरना अगर जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है कि कितना जबरदस्त एआई का दौर चल रहा है और मैं सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल दिल खोल के बता रहा हूं। आज उसी दौड़ में हमें एक और एआई टूल मिला है और उस एआई टूल का भी जो काम है वो इतना जबरदस्त है, आप उसे सीखने में ना इतना एंजॉय करोगे, वो तो अलग है, मतलब एंजॉय करोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात उसका रेवेन्यू सोर्स कैसे जनरेट हो सकता है वो मैं उसके कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा और फिर तो आप एंजॉय भी करोगे और यहां से बैंक अकाउंट भी फिल करोगे, दैट्स इट। तो चलो जल्दी से मैं रिवील कर देता हूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। गाइस आज हम fiverr.com पे ये देखने वाले हैं कि एआई आर्ट कैसे बिकते हैं, और अगर एआई आर्ट बिकते हैं तो मैं एज अ नॉन क्रिएटिव पर्सन, मेरे में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एआई आर्ट बना बना के बेच सकता हूं। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और पूरी जो डिटेल है उसे एकदम डेप्थ में जाके सीख लो। अब उससे पहले मैं बोलूंगा, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इस चैनल पे, जो कि आपको रेगुलर एआई वीडियोस वगैरह मार्केटिंग के ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड मिलती रहती है। गाइस देखो आज जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हो, अब यहां पर आपको अगर मैं एक सबसे बड़ी बात दिखाऊं, ये होम पेज है फाइवर का, अभी तक मैंने लॉग इन साइन इन कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद भी अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूं, सबसे पहली सर्विस जो फाइवर खुद प्रमोट कर रहा है दैट इज एआई आर्टिस्ट। एआई आर्टिस्ट मतलब जो एआई से आर्ट बना सकते हैं। बस यहीं से मुझे स्कोप मिल गया और मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों के लिए फटाफट से एक ऑनलाइन इनकम सोर्स एक और जनरेट कर दिया जाए, ताकि आप में से जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हैं बाकी वीडियोस को देख के और अच्छा कमा रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली थम्स अप, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाए हो या अभी तक होता है ना कि जमा नहीं, अभी तक वो किक नहीं मिली, आज आपको किक मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करता हूं आपके सामने, तो आप देखो यहां पर इमेज जनरेशन और कस्टम इमेज प्रॉम्प्ट्स। सबसे पहली बात देखो, टोटल अभी तक 15,896 यानी तकरीबन 16,000 फ्रीलांसर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट? तो गाइस सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वो ये है, सेलर डिटेल्स पे जाओ और यहाँ पर देखो न्यू सेलर जो है वही 14,105 है। मतलब कितनी तेजी से ये कैटेगरी बढ़ रही है और कितनी तेजी से लोग जो है यहाँ पर एज अ सेलर आ रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर। सेलर मतलब यहाँ पर फ्रीलांसर ही होता है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं, एक और जबरदस्त चीज, लेट्स अप्लाई इट। जैसे मैं अप्लाई करूंगा, न्यू सेलर वो होते हैं जो कि पिछले 30 या 60 दिन के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और बहुत ज्यादा काम उनको अभी तक मिला नहीं है, तो उनको न्यू सेलर एज अ ट्रीट किया जाता है फाइवर के अंदर। अब मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं तो गाइस ये 14,091 जो फ्रीलांसर्स हैं इनको भी काम मिल रहा है, जस्ट लुक एट इट। अगर ये रिव्यू इनको 17 रिव्यू मिला है तो फाइवर में तो आप फेक रिव्यू दे नहीं सकते, क्योंकि आपको सर्विस लेना पड़ेगा उसके बाद ही आप रिव्यू के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस ली ना ली आप रिव्यू दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए फाइवर में ये जो 17 रिव्यू है मतलब इस न्यू सेलर को भी काम मिला है। अब अगर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ले लेता हूं कि अगर मैं इसको ओपन करता हूं और इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक करते हैं लाइक दिस नीचे आके, सो गाइस देखो ये अलेक्जेंड्रा एम है रोमानिया से और फरवरी 2023 को ही इसको ये फर्स्ट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आई है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो यानी बहुत दिन तो नहीं हुए, तकरीबन 7-8 महीने हुए होंगे, लेकिन काम हो सकता है कुछ दिन पहले ही इन्होंने स्टार्ट किया तभी ये न्यू सेलर काउंट हो रही है। और लास्ट डिलीवरी इसने 2 दिन पहले दी है और 6 घंटे का इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब इसको जो भी क्वेरी आती है वो 6 घंटे में रिप्लाई करती है। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि जो नए सेलर है इनको भी काम अच्छा खासा मिल रहा है। देखो 15 17 20 19 10 37, कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली है। आप देखो 13 11, कोई खाली है क्या? बिल्कुल नहीं, सबको अच्छा खासा काम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये 38 है, मतलब बहुत अच्छा खासा मिला होगा। तो आप इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसने कब से 3 orders in तो क्यू है, मतलब 3 order के साथ तो ये अभी बैठा है कि इसको डिलीवर करना है ऑन द स्पॉट। तो इसका मतलब अगर मैं दिखाऊं, मिनिमम 1300 इसका एक पैकेज है जो कि बेसिक पैकेज होता है, और स्टैंडर्ड पैकेज प्रीमियम पैकेज तो हाई लेवल के होते हैं। तो बेसिक वाला भी अगर पकड़ूं और मैं 38 से मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइज आप समझदार हो कि आपको समझ आ जाएगा कि इसने अभी तक कितना अर्न किया है। नेक्स्ट चलते हैं और भी देख लेते हैं गाइज, आपको और यकीन आ जाएगा कि इसमें गाइस 225 LXR क्या करता है, आई विल क्रिएट एन एनहांस्ड एनिम आर्ट फॉर योर यूजिंग AI एंड मैनुअल एडिटिंग। खैर ये तो एडिटिंग का पार्ट हो गया, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये दूसरी कैटेगरी से पे इस पर्टिकुलर गिग के लिए फायदा उठा रहा होगा। ये गिग कहते हैं इसको, गिग मतलब होता है कि आपने इस गिग को बनाया है। ये गिग ऐसा एक फ्रीलांसिंग टर्म है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर काम को गिग बोला जाता है, तो इसको गिग बोलते हैं।
आई विल क्रिएट स्टनिंग AI आर्ट इमेजेस इन मिड जर्नी। अब इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम जो है मिड जर्नी को फोकस कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल इज यूजिंग मिड जर्नी वर्ड। अब मिड जर्नी वर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिड जर्नी ही एक इकलौता ऐसा AI टूल था जो इसने बिगिनिंग की थी इस AI आर्ट की। उसके बाद तो बहुत सारे आ गए, और आज इनफैक्ट मैं आपको मिड जर्नी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक फ्री टूल के बारे में बताऊंगा। मिड जर्नी में आपको पे करना पड़ता है तभी जाके आप उसको यूज कर पाते हो, बट जो मैं टूल बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल 100% फ्री है अप टू सर्टेन लेवल। देखो हर चीज अनलिमिटेड फ्री होती है ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन AI आर्ट के केस में थोड़ा सा फ्री होना भी बहुत अच्छा है, और मैं आपको उसका स्कोप भी बता दूंगा कि आप उस फ्री का इस्तेमाल अपने लिए कैसे करोगे। अब जैसे मान लेते हैं आपको एक गिग बनाना है, राइट, आपको सिंपल ज्वाइन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। आपको क्या करना है एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने लॉग इन कर लिया तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, तो स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैं स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करूंगा यहाँ पर डैशबोर्ड में आके आपको माई बिजनेस पे क्लिक करना है, गिग्स पे जाना है, और यहाँ पर जाके आपको क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है। अब AI आर्ट के लिए वेट मैं आपको बताऊंगा कि ये AI आर्ट आप फ्री में कहां से बना सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल डिटेल में आऊंगा उसके अंदर। लेकिन उससे पहले जान लो कि आपको करना कैसे है। आपको सिंपल यहाँ पर गिग टाइटल पे आना है और यहाँ पर आई विल डू मतलब मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा वो आपको बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर एक गिग का टाइटल बनाना चाहता हूँ, एज योर गिग स्टोर फ्रंट योर टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू इंक्लूड कीवर्ड्स। इंक्लूड कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए दैट बायर्स विल वुड लाइक टू यूज सर्च फॉर अ सर्विस लाइक यू। अब या तो आप इसको खुद लिख लो, क्योंकि बहुत बड़ा लिख नहीं सकते, 80 कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, या तो आप खुद लिख लो या चैट जीपीटी से लिखवा लो। तो माय फेवरेट इज ऑलवेज चैट जीपीटी, तो मैं चैट जीपीटी को ओपन करूंगा। अब मैं यहां पर लिखूंगा आई वॉन्ट अ गिग टाइटल फॉर फाइवर इन 80 कैरेक्टर्स। क्यों 80 कैरेक्टर्स, क्योंकि यहां पर 80 कैरेक्टर्स ही मैक्सिमम पॉसिबल है। अब यहां पर देखो 80 कैरेक्टर्स, राइट। अब यहां पर जाऊंगा और माई सर्विस इज AI आर्ट यूजिंग मिड जर्नी। अब मैं मिड जर्नी क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड फॉलो किया है कि मैक्सिमम लोग यहां पर मिड जर्नी का नाम लिख रहे हैं, यानी मिड जर्नी कीवर्ड से फाइवर में अच्छा खासा सर्चेस है AI आर्ट के लिए। तो मैं इसको एज ए मिड जर्नी दूंगा, बट जो मैं रिप्लाई करूंगा मतलब जो मैं अपने ऑडियंस को या मेरे क्लाइंट को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करूंगा वो मैं मिड जर्नी से नहीं करूंगा, वो मेरे किसी और AI आर्ट टूल से करूंगा। वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको फ्री पड़ेगा, इसीलिए आपको मिड जर्नी एज अ कीवर्ड लेना है तो मैंने बता दिया है। तो माई सर्विस इज AI आर्ट यूजिंग मिड जर्नी, प्लीज क्रिएट अ टाइटल फॉर मी, एंटर। अब जैसे मैंने टाइटल लिखवा लिया, आप देखो Stunning AI Artwork Creation with Mid Journey Expertise। अच्छा, इसमें छोटा सा एक काम करना कि आप यहाँ पर कर देना इसको एडिट करके यूजिंग मिड जर्नी एंड द टाइटल विल स्टार्ट विद आई विल, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आई विल से ही स्टार्ट हो रहा है, ये आई विल, तो वो वैसे ही बना के देगा आपको आई विल डू समथिंग वगैरह वगैरह लाइक दिस। अब इसको सबमिट कर देते हैं दोबारा और यहाँ पर देखते हैं। आई विल क्रिएट स्टनिंग AI आर्ट विद मिड जर्नी इन 24 आवर्स। अब बनाना ही है जबरदस्त। अब आई विल तो ऑलरेडी है, तो आपको क्रिएट से स्टार्ट करना है और यहाँ पर जाना है, एंटर कर देना। तो ये बन गया आपका एक परफेक्ट गिग टाइटल, आई विल क्रिएट स्टनिंग AI आर्ट विद मिड जर्नी। मिड जर्नी आ गया, AI आर्ट भी आ गया, इसका मतलब कीवर्ड आपके दोनों आ गए, AI आर्ट भी कीवर्ड है, मिड जर्नी भी कीवर्ड है। और 24 आवर जो है ये एक वैल्यू प्रीपोजिशन है आपके इस पर्टिकुलर गिग का, मतलब 24 आवर्स के अंदर आप उसे दे दोगे। हार्डली मुझे लग रहा है कोई 24 आवर्स जो है ये लिख रहा है, जस्ट लुक एट इट, मैंने दो आपके लिए ओपन किए थे बट किसी ने भी 24 आवर्स नहीं लिखा है। तो ये एक वैल्यू प्रीपोजिशन है, यूएसपी काउंट होगा और हो सकता है इससे ऑडियंस क्लाइंट कस्टमर्स वो आप पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पर वापस चलते हैं, अब आते हैं सिलेक्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी में देखो इसने बाय डिफॉल्ट मेरा टाइटल पढ़ते हुए दे दिया कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में AI आर्टिस्ट को चूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स मुझे ये चूज करना है, तो मैंने कर लिया अपना कैटेगरी। नेक्स्ट आओ सर्विस टाइप में, आपको सर्विस टाइप में गाइस इमेज जनरेशन लेना है और गिग मेटा डेटा में आपको AI इंजन चूज करना ये पूछ रहा है कि आप कौन सा यूज करोगे, मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, डेली। तो मिड जर्नी आप सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। एक्सपर्टाइज में जाओ और आप देखो कि आप किस चीज की AI आर्ट बनाने में माहिर हो। सबसे पहले क्रिएटिविटी, अगर मैंने कहा ना कि क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देके मैं समझा दूंगा कैसे करना है, तो आपको क्या लग रहा है कि किस चीज में ज्यादा काम आ सकता है आपको वो देखना है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर कर लो कैरेक्टर डिजाइन, कोई कैरेक्टर बनाना हो जैसे सुपरमैन टाइप, स्पाइडरमैन टाइप को कैरेक्टर बनाना है आप कर सकते हो,
गेमिंग के लिए करना है कर सकते हो, इलस्ट्रेशन कर सकते हो, मैक्सिमम तीन कर सकते हो। इसलिए आपको देखना है कि आप कौन सी तीन को ज्यादा बेटर करोगे। देखो लोगो अच्छा नहीं बनता है AI से, पहले बता दूं, तो आप लोगो पे मत जाना। ज्वेलरी उतना खास नहीं होगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी नहीं होगा, फैशन भी उतना कुछ खास नहीं होगा। पैटर्न्स अच्छे बन सकते हैं, पैटर्न्स ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गेमिंग हटा दूं, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि AI से पैटर्न सच में अच्छे बनते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग है नहीं मेरा काम, 3D भी अच्छा बनता है, 3D भी बहुत अच्छा बनता है AI से। तो मैं ये तीन चीज ले रहा हूँ, कैरेक्टर डिजाइन, इलस्ट्रेशन और 3D, इन तीनों को कवर करो। पॉजिटिव कीवर्ड्स ले लो यहाँ पर, मतलब टैग योर गिग विद बज कीवर्ड्स दैट आर रेलेवेंट टू द सर्विसेज यू ऑफर। यूज ऑल 5 टैग्स टू गेट फाउंड, मतलब 5 टैग आपको यहाँ पर लेने हैं जो कि आपको ढूंढने में, मतलब आपके इस गिग को ढूंढने में हेल्प करेगा। तो मैं सो एज इट इज कॉपी करूंगा, ChatGPT ऑलवेज फेमस, मैं यहाँ पर अब एंटर कर दूंगा, इसको सिंपल लिख दूंगा। तो गाइस आप इसने देखो आपको 5 टैग्स दे दिए जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एंटर करते जाओ और यहाँ से ऐसे लिखते जाओ, Midjourney art, enter, then digital illustration, enter, 5 करने ना मैं, तो 5 ही दिया उसने, तो आपको बस कॉपी करना है क्योंकि ChatGPT को पता है कि फाइवर में कौन से वर्ड ज्यादा चलते हैं। जस्ट लुक एट इट, एंटर। तो गाइस ये 5 मिल गए, इससे मेरा जो गिग होगा ना वो सर्च काफी ज्यादा होगा। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड दैट्स इट। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्कोप एंड प्राइसिंग का। अब यहाँ पर क्या क्या प्राइस रखना है वो आप डिसाइड कर लो। तो गाइस अब यहाँ पर आपको पैकेजेस बनाने हैं। पैकेजेस कौन से बनाने हैं? बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये मैंडेटरी है क्योंकि आपको 3 पैकेजेस देने ही होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि आप इस पैकेज का नाम दे सकते हो। नाउ अब आप क्या लग रहा है कि क्या नाम होना चाहिए? अगर आपको खुद पता है कि एक अच्छा सा आप गोरो को टारगेट करने के लिए एक अच्छा सा नाम दे सकते हो, दे दो, अदरवाइज आप ChatGPT पे जाओ। नाउ मैं यहाँ पर बोलूंगा नेम 3 पैकेज नेम, गिव मी कर दो इसको, गिव मी 3 पैकेज नेम फॉर माई गिग्स, एंटर। बेसिक विजन, एनहांस्ड इमेजिनेशन, मास्टरपीस क्रिएशन, मजा आ गया राइट। तो गाइज इसे कहते हैं AI और मतलब अपना टाइम लगा है खुद का सोचना। तो जैसे मैंने इन तीन को दे दिया एनहांस्ड इमेजिनेशन, मतलब ज्यादा और मैं डीप में जाऊंगा, और ये तो मास्टरपीस, थर्ड वाला तो मास्टरपीस होगा, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर दो। डिस्क्राइब द डिटेल्स यू आर ऑफरिंग, अब यहाँ पर आप डिस्क्राइब भी करा लो, सेम चीज। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ आप कॉपी पेस्ट करो दोस्त, आप कॉपी पेस्ट करो, लाइक डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, डिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग्स इन द अबव पैकेजेस। अब उसने ऐसा नाम क्यों लिखा है, मतलब ChatGPT ने मुझे ये 3 नाम क्यों दिए हैं, तो उसको ही पता होगा, तो इस बेटर है ना कि उससे ही डिस्क्राइब करा जाए। कोई कैरेक्टर लिमिट है? पहले आप ये देख लो, मुझे नहीं लग रहा कोई कैरेक्टर लिमिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर देख सकते हो, हाँ है तो सही। यू कैन मैक्सिमम यूज 100 कैरेक्टर्स, साफ लिखा है 100 कैरेक्टर्स। अगर आप साइड में वो बबल बॉक्स देखोगे, इसमें लिखा है 100 कैरेक्टर्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन 100 कैरेक्टर्स, एंटर। ठीक है, तो गाइस तीनों के मिल गए, बेसिक विजन में मिल गया, वन सिंपल AI आर्ट पीस, वन सिंपल AI आर्ट पीस, एंटर कर दो। सेकंड में मिल गया आपको 2 डिटेल्ड आर्ट वर्क्स, और थर्ड में मिल गया 300 DPI सोर्स फाइल। अब एक चीज का मैं आपको क्लियर तरीके से डिस्क्लेमर दे दूं, ये जस्ट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ChatGPT इस्तेमाल करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि मुझे लिखना क्या है। अदरवाइज अगर आपको पता है कि आपको देना क्या है वो ज्यादा बेटर है। देखो ऑल्टरनेटिव है हमारा AI, ये हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको पता है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अदरवाइज नहीं पता तो उस केस में ये होना चाहिए। और मैं आपको दिखाते हुए तो यही चलूंगा कि AI से कैसे बनवाना है आपको ये पूरा गिग, तो इसीलिए मैं सारी चीजें AI से करवा रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्लेमर क्लियर है। अच्छा, डिलीवरी टाइम जैसे कि आपने कहा 24 आवर्स, तो आपको हर केस में 24 आवर्स ही देने हैं क्योंकि आपका टाइटल ही 24 आवर्स का है। नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें कितने हैं? 2 है, इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, तो आप इसको 2 दे दो, और इसमें आप 3 दे दो। नंबर ऑफ अपस्केल्ड वेरिएशन, अपस्केल्ड तो देखो इसमें मिलेगा, नंबर ऑफ अपस्केल्ड वेरिएशन, इसमें 3 अपस्केल्ड मिलेंगे, इसमें 2 अपस्केल्ड मिलेंगे, और इसमें 1 अपस्केल्ड मिलेगा। अपस्केल्ड मतलब होता है उसका बेटर वर्जन, जैसे कि JPG फॉर्मेट, सॉरी इसमें 0 कर दो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 1 भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें है ही नहीं। इसमें मैंने लिखा है 1 सिंपल AI आर्ट पीस 72 DPI, 72 DPI जो होता है वो अपस्केल नहीं होता है, अपस्केल सिर्फ 300 DPI वाले ही होते हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट क्रिएशन मिलेगा, तीनों पे प्रॉम्प्ट तो आप दोगे ऑफ कोर्स है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये टिक है, लेकिन क्या प्रॉम्प्ट आप देने वाले हो उसमें? तो आप एक काम करो, फर्स्ट में नहीं दोगे लेकिन सेकंड और थर्ड में दोगे, ताकि उसको भी कभी फ्यूचर में प्रॉम्प्ट यूज करके बनाना पड़ गया अपना खुद का इमेज Midjourney से, तो वो बना पाए, तो आप ये कर सकते हो। मैं तो कहूंगा थर्ड पे दो, इनफैक्ट इस पे भी मत दो, थर्ड पे दो क्योंकि थर्ड का आप थोड़ा सा ज्यादा प्राइस रखने वाले हैं। इसके बाद इमेज अपस्केलिंग इसमें है, इसमें है कि इमेज को अपस्केल करके दोगे आप, इमेज एडिट करके दोगे, किसी में भी इमेज एडिट नहीं होगा, ठीक है, तो आप किसी को सिलेक्ट मत करना। रिविजन किसी में पॉसिबल है तो रिविजन जो है मैक्सिमम इस वाले पे दो, कि इस पे आप 2 बार रिविजन करके दोगे, और इस पे आप 1 बार रिविजन दोगे, और इस पे 0 बार रिविजन होगा, इस पे कोई रिविजन नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटा पैकेज होता है, छोटा पैकेज सिर्फ दाना डालने के लिए होता है, इसमें कम से कम चीज देनी होती है। अच्छा, अब प्राइस कितना रखना है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर मैटर करता है।
करता है कि प्राइस कितना होना चाहिए। ये डॉलर्स में मांग रहा है गाइस, इसका मतलब यह है कि आपको कंपटीशन को चेक करना है। सबसे पहले जाके लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि सबसे मिनिमम प्राइस कितने का है। 1300 1300 1300 1300 1300 सबसे कम जो प्राइस है, सबसे कम प्राइस है 1300 है। 1300 का बेसिक पैकेज आप यहाँ पर देख पा रहे हो और 1300 इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करूँ तो 1300 INR इंटू USD, तो ये तकरीबन आता है 15-16 डॉलर के आसपास। मतलब तकरीबन मैंने देख लिया है कि 16 डॉलर का मिनिमम प्राइस तो है ही है, ठीक है। तो क्या आप इसको कॉम्पीट करना चाहते हो? ऑफ कोर्स आप नए हो तो कॉम्पीट करना चाहोगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको सबसे मिनिमम वाला 10 डॉलर पे रखूं और इसको 20 डॉलर पे रखूं और इसको 25 डॉलर में, क्योंकि इसके और इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ दाना है और फिर उसके बाद जब उसे लगे कि नहीं यार इससे बेटर वाला लेते हैं तो वो 20 पे आएगा, लेकिन वो सोचेगा 20 और 25 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और मुझे इसमें ज्यादा बेटर क्वालिटी और बेटर ज्यादा मतलब क्वांटिटी भी मिल रहा है, तो वो ये 25 डॉलर वाला लेना चाहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको लग रहा है कि एडिशनल इमेजेस आपको बेचना चाहिए कि मतलब उससे ज्यादा बेचोगे तो आप इसे टिक करना वरना मत करना। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी 24 घंटे से भी पहले कुछ देना चाहोगे तो मैं प्रीमियम पे देना चाहूंगा, मतलब हर फैसिलिटी में प्रीमियम पे देना चाहूंगा, लेकिन इसमें तो 24 घंटे से नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गया। 24 घंटे से लीस्ट जो कि आप ऑफर कर सकते हो। इमेज अपस्केलिंग, ये सारे एडिशनल है गाइस, एक्स्ट्रा सर्विस, तो एक्स्ट्रा सर्विस पर अभी फोकस मत करो और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अच्छा, यहां पर ये कह रहा है कि आपका मिनिमम ही $15 होना चाहिए। सॉरी टू से दैट, तो $15 तो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा जो कि हमने निकाला था। हाँ, $15 मिनिमम एक प्राइस होना चाहिए, तो आप $15 ही रखो, सबसे कम प्राइस जो है वो रखो एंड देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आ जाओ। अब ये डिस्क्रिप्शन जो है ये 1200 कैरेक्टर्स का है। अब आपको सिंपल वही करना है, खुद लिखना है ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ChatGPT लिख के दे तो आप लिखो राइट एन एनहांस्ड एंड कैप्टिवेटिंग डिस्क्रिप्शन इन 1200 कैरेक्टर्स। I want you to write like a pro gig creator who knows how to, sorry my bad, ये enter हो गया, how to write gig description to attract clients on Fiverr, ठीक है, एंटर कर दो। ये मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने ChatGPT को बताया कि उसको क्या रोल निभाना है, उसे एक एक्सपीरियंस गिग क्रिएटर का रोल निभाना है और इससे ही ChatGPT आपको एक बेस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। ChatGPT का मैं आपको एक खास बात बता दूं गाइस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही सब कुछ होता है। अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आता है ChatGPT का बनाना या फिर आप उसे सिर्फ एक डायरेक्ट या फ्लैट तरीके से उसको आप इनपुट दोगे तो वो रिस्पॉन्स भी बड़ा फ्लैट देता है और जिसका काम हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा उठा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खास बहुत जरूरी है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो, लेकिन अभी तक मैंने उसको पब्लिकली ओपन नहीं किया, लेकिन अगर आप उसके अर्ली बर्ड मेंबर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके इसको डिस्काउंटेड अर्ली बर्ड डिस्काउंट वाले प्राइस में ले सकते हो। इसलिए मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी बता दिया है कि अगर आपको ChatGPT में माहिर होना है, जो कि हर AI टूल का एक सेंटर पॉइंट है कि इसको तो यूज करना ही करना है, चाहे आप जितने मर्जी AI टूल यूज कर लो, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द बेस्ट फॉर ChatGPT। तो गाइस, आप जैसे मैंने ये देख लिया कि कितना जबरदस्त इसने कंटेंट लिख दिया है, आप चाहो तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हो, बट मैं अपने ChatGPT और मेरे प्रॉम्प्ट पे मैं बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट रहता हूं, तो मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जस्ट इसको मैं जाऊंगा वापस और यहां पर एंटर कर दूंगा। जैसे मैं एंटर कर दूंगा गाइस, द लास्ट स्टेप जो मुझे यहां पर करना है दैट इज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको FAQ ऐड करने चाहिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि जनरली लोग पूछ ही लेते हैं, अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसके मन में ये सवाल तो रहता है, तो उसका आंसर आप पहले ही दे दो, क्योंकि rather than कि आप उसको चैट में बैठ के समझाओगे, क्योंकि वो चैट करेगा आपके साथ, याद है ना रिस्पांस टाइम कि क्लाइंट को कितनी देर में रिस्पांस दे रहा है एक पर्टिकुलर क्वेरी पे, तो वो लग जाता है कि आपको उसके लिए फिर लाइव रहना पड़ता है, फिर टाइम अलग से डिवोट करना पड़ता है। तो अगर जनरल क्वेरी है तो आप उस पे FAQ बना लो तो बेटर है। मैं ChatGPT में जाऊंगा अगेन, फिर मैं यहां पर लिखूंगा आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट FAQs ऑन फॉर माई गिग, नाउ प्लीज एक्ट एज अ क्लाइंट and tell me what all common queries you can have if you are searching gig AI graphics gig on Fiverr, ठीक है, समझ आ गया prompt engineering मैंने क्या दिया। तो also I need their responses, enter, that's it। अब वेट करो, ये आपको क्वेरी भी बना के देगा और उसका आंसर भी बना के देगा, देख रहे हो। नाउ वन गाइस, कितना अमेजिंग है ना ChatGPT, मैं इसका क्यों फैन हूँ अब आपको समझ आ रहा है, तो एग्जैक्टली आपसे यही करवाना चाहता हूँ मैं। तो अब व्हाट, अब यहाँ पर एक कॉपी करो, जैसे इसको कॉपी कर लिया, क्वेश्चन को वापस जाओ और यहाँ पर एड FAQ करके क्वेरी और उसका आंसर यहाँ से लाइक दिस,
आंख बंद करके कर सकते हो क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रॉम्प्ट पे। इसके रिप्लाई पे तो है ही, लेकिन प्रॉम्प्ट अगर सही नहीं होता ना तो कभी कभार रिप्लाई वो वैसे ही करता है फ्लैट। ऐड पे क्लिक करो, देन एक और ऐड करना है, एक और ऐड करो और वापस जाओ चैट जीपीटी पे और यहाँ पर आके अगेन सेम एंटर और यहाँ पर अपना आंसर। सो गाइस इस तरीके से आपके पास जितने भी है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि कॉमन जो भी है इस दुनिया में वो मैं कह रहा हूँ आप रिप्लाई कर दो यार, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप भर दो यहाँ पर ये सारे भर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार क्लाइंट जो है वो परेशान करेगा नहीं, आपका लाइफ टाइम आप अपना प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, उस पर रिप्लाई करना आपको पड़ जाएगा अगर आप इसको एड एफएक्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना बनता है गाइस, अब आपको सिंपल जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू डिस्क्रिप्शन इज 1200 कैरेक्टर्स, अच्छा 1200 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया, तो आप एक काम करो आप कुछ यहाँ से हटा दो, देखते हैं। हाँ 900 कैरेक्टर का हो गया गाइस, 900 का हो गया अब। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो स्टार मार्क्स है ना इनको हटा देना प्लीज, क्योंकि ये चैट जीपीटी का अपना एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है, तो इसको प्लीज, अच्छा हुआ मैंने इस बहाने इसको देख लिया वरना ये यहीं पर ही पब्लिश हो जाता। यहाँ पर स्पेस और देख लो कहीं तो नहीं है, नहीं नहीं है। अब अगर आप चाहो तो आप इसको आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू गाइस योर जॉब इज डन। गाइस अब आते हैं फोर्थ स्टेप में जो कि है रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका ऑडियंस मतलब आपका क्लाइंट जो है वो आपको काम देना चाहता है तो ये नहीं है कि सवाल सिर्फ वही पूछेगा, सवाल आप भी पूछ सकते हो कि किस टाइप का आपको इमेज बनाना है, आपको कहां के लिए बनवाना है, वेबसाइट के लिए, आपको अपने लोगो के लिए या फिर आपको अपने बैनर के लिए, ये सवाल आप भी पूछोगे। क्योंकि अगर आपने हर किसी का काम ले लिया विदाउट ये जाने कि वो क्या चाहता है और उसकी रिक्वायरमेंट और उसका पर्पस क्या है, आप अगर काम ले लोगे और बाद में अगर उसे वो बोलेगा कि यार ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था या जो मैंने जिसके लिए किया था, तो आपका यहाँ पर क्लैश आ जाएगा, एक डिस्प्यूट आ जाएगा और डिस्प्यूट के चलते आपकी रेटिंग खराब हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ काम उतना ही उठाओ जो कि आप डिलीवर एग्जैक्टली सैटिस्फैक्ट्री वे में कर सकते हो अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट को। इसलिए सवाल कुछ पूछ लो यहाँ पर इन दिस ऑर्डर फॉर अ पर्सनल यूज बिजनेस यूज, जैसे कि यहाँ पर सवाल है कि आप इसको पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हो, बिजनेस यूज के लिए या फिर साइड प्रोजेक्ट के लिए, तो ये एक सवाल हो गया। जैसे कि ये एग्जांपल है ना, विच इंडस्ट्री यू डू वर्क इन, अगर आप चाहते हो पूछना पूछ सकते हो। इस तरीके से आप अपने अपने क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे सकते हो, है ना। यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करो, क्वेश्चन लिख दो और उसके आंसर के लिए उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे या कुछ उसे अटैच करना पड़ेगा, अगर कुछ ऐसे भी गिव होते हैं जहाँ पर अटैच करना पड़ता है कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटो या कोई एक रेफरेंस, वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी फ्री टेक्स्ट मतलब वो लिख के कर सकता है, तो आप यहाँ पर सेम चीज प्रोवाइड कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब जैसे मैं इसको ऐड कर दूंगा, अब आगे गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। गाइस अभी टाइम के चलते मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ा ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे गैलरी पे आ जाएगी तो गैलरी में आपको क्या करना है गाइस, गैलरी पे ये थंबनेल वगैरह जो है आपको यहाँ पर देनी है, ये वही होना चाहिए जो कि आप अपने उस AI आर्ट से निकालोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप गैलरी का इमेज यहाँ पर दे दोगे उसके बाद सिंपल डायरेक्ट पब्लिश का ऑप्शन आता है, पब्लिश पे क्लिक करोगे रिव्यू के लिए चला जाएगा एंड डूम आपका AI आर्ट का गिग तैयार है लाइक दिस। इस तरीके का गिग आप भी बिल्कुल देख पाओगे अपने लिए, तो इसे कहते हैं गिग क्रिएशन। लेकिन अब आते हैं मेन उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें मेन डिलीवरी देनी है। गाइस AI आर्ट बनेगा कैसे, अब AI आर्ट बनेगा कैसे ये समझना बहुत 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 जरूरी है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूं मिड जर्नी, तो मिड जर्नी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस, नो डाउट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिड जर्नी बिल्कुल यूज मत करना वगैरह वगैरह, नहीं मैं इसमें कोई फ्लॉ निकाल नहीं सकता, लेकिन इसमें चैलेंजेस ये है कि मिड जर्नी के साथ सबसे पहला कि ये विदाउट पे कराए आपको ये कोई बनाने नहीं देगा, मतलब आप इसमें काम ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले तो ये मुझसे पैसे मांग ही लेगा, लेकिन सेकंड जो सबसे बड़ी इसका जो चैलेंज है मैंने देखा है वो ये है कि मिड जर्नी को आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके ही यूज करना है। अब जब डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके आप यूज करते हो ना, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे इमेजेस उस पे बनते रहते हैं, आप उसमें खो जाते हो। अगर आप अपना पर्सनल डिस्कॉर्ड भी बनाते हो तो बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको बचानी है, तो इसलिए इन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो। तो गाइस अभी मैं इसको छोड़ देता हूं क्योंकि कुछ एरर आ रहा है, वो एरर क्या है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अब आते हैं मेन उस पॉइंट पे, उस सेक्शन पे जहां पर मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जिस टूल पे आप डेली का फ्री में एक पूरी लिमिट तक, मतलब लिमिट भी अच्छी खासी है, वहां तक आप फ्री में AI इमेजेस बना सकते हो, एंड दैट इज नोन एज लियोनार्डो। यस लियोनार्डो.AI गाइस, मैं तो इसका प्रीमियम यूज कर रहा हूं लेकिन आप इसका फ्री में यूज करके भी आराम से इस काम को अंजाम दे सकते हो। यस ये भी बिल्कुल मिड जर्नी का ही एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो बिल्कुल पूरा मिड जर्नी है, लेकिन सहूलियत पता है क्या है, एक तो
फ्री, और सेकंड आपको डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं यूज करने के लिए बोलेगा ये, आप यहीं पर आकर यूज करोगे। सिंपल, आप जाओगे AI इमेज जनरेशन पे, जैसे आप यहाँ पर आओगे आप यहीं पर अपना प्रॉम्प्ट लिखो और यहीं पर आपको सारे इमेजेस मिल जाएंगे। गाइस देखो, ये मैंने कुछ इमेजेस बनाए थे एंड जस्ट लुक एट इट हाउ रियलिस्टिक दे आर। ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल रियल इमेजेस हैं, और ये सारे हालांकि एग्जिस्ट नहीं करते, ये रियल ह्यूमंस नहीं है दोस्त, ये सारा जो है आपका AI इमेजेस हैं। तो एक AI इमेज मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाता हूं। आपको यहां पर 1000 टोकन दिख रहे हैं, आपके केस में ये 150 होगा पर डे का, मुझे पर डे 1000 मिलता है बिकॉज मेरा प्रीमियम अकाउंट है। अब यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल यहां पर आके प्रॉम्प्ट दोगे। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर ले जाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं, मुझे एक ऐसा इमेज बनाना है जो कि यहां पर दिखाया गया लाइक दिस। मान लेते हैं कोई एक इमेज बनाते हैं, रियली प्रोफेशनल एंड डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई नीड। अच्छा ये तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक अच्छा सा इमेज बना के। सबसे बड़ी बात गाइस, आपके दिमाग में अगर सिर्फ कल्पना भी है ना कि आपको क्या बनवाना है, तो आपको प्रॉम्प्ट में भी महारत हासिल नहीं करनी पड़ेगी। इसका एक और फायदा यह है कि प्रॉम्प्ट भी ये Leonardo.ai टूल जो है ये आपको बना के देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनवाना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट सुपरमैन राइडिंग बाईसाइकिल, एग्जाम्पल के तौर पर है ना, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए। तो प्रॉम्प्ट क्या होगा वो देख लो, क्योंकि अभी तक तो प्रॉम्प्ट ही नहीं पता मुझे। तो प्रॉम्प्ट होगा, मॉडर्न ट्विस्ट ऑन द क्लासिक सुपर हीरो, इमेजिन सुपरमैन सोरिंग थ्रू द सिटी ऑन अ स्लीक फ्यूचरिस्टिक बाइसाइकिल, द वाइब्रेंट कलर्स एंड द डायनामिक एंगल्स ऑफ द सिटी स्पेस विल बी द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर दिस एपिक इमेज। तो ये वाला प्रॉम्प्ट पढ़ लो, आपको इसने टोटल 4 प्रॉम्प्ट दे दिया। कौन से आपके प्रॉम्प्ट में आपको लग रहा है कि दम है, आप उसको सिलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक करो एंड योर जॉब विल बी डन। अब देखो फॉर एग्जांपल, फ्रॉम पेजेस टू कॉमिक बुक टू स्टनिंग विजुअल विटनेस सुपरमैन। एक काम करते हैं गाइस, मैं फर्स्ट वाले पे आपको जनरेट करके दिखाता हूं। द मोमेंट आई क्लिक ऑन जनरेट, तो गाइस अब आप देखो मेरा एक टोकन चला गया। एक टोकन 16 टोकन का होता है, मतलब सॉरी एक इमेज 16 टोकन का होता है, तो वो 984 हो गया। मैंने 16 टोकन यूज किया यहाँ पर एक इमेज को बनाने के लिए, और आपको डेली 150 फ्री मिलने वाले हैं। तकरीबन आप 10 इमेजेस बना सकते हो फ्री का डेली का, राइट? तो एग्जैक्टली देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो गाइस अब आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज बन के आई है वो एग्जैक्टली वो चीज है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला था। एक सुपरमैन जो कि एक रियल कैरेक्टर, मतलब जादुई दुनिया में तो रियल कैरेक्टर है ना, मतलब एक कैरेक्टर है, बिल्कुल सुपरमैन बन के आया है, साइकिल चला रहा है और पीछे पूरा देखो सिटी बना हुआ है। तो ये कैसे हुआ गाइस? ये AI से हुआ है। अब इस टाइप का इमेज को चाहता है तो आप बनाने बैठोगे नहीं फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में, ये घंटों का काम है, घंटों का, जो कि विद इन फ्यू सेकंड्स इसने बना दिया। अब आप देखो, मान लेते हैं ये इमेज भी मैं अपने क्लाइंट को दूंगा, और हो सकता है मैं सेकंड इमेज भी अपने क्लाइंट को दूं, क्योंकि क्लाइंट को मल्टीपल इमेजेस दे रहे हैं ना, तभी तो वो समझेगा कि कौन सा बेस्ट है या फिर उसमें से कौन सा चूज करना है। क्योंकि एक दे दोगे उसे ऐसा नहीं चाहिए था, तब आप क्या करोगे, तो आप मल्टीपल इमेजेस बना रहे हो उन्हीं मल्टीपल प्रॉम्प्ट में से। तो ये इसका प्रॉम्प्ट का भी एक फायदा हो रहा है कि यहां पर प्रॉम्प्ट सोचना नहीं पड़ रहा, वरना क्या होता है कि आप मिड जर्नी में खुद प्रॉम्प्ट बनाते हो, खुद सब कुछ का ध्यान रखते हो, तब जाके आप एक अच्छा आउटकम ले पाते हो, अदरवाइज नहीं ले पाते हो। अब देखो यहां पर सेकंड वाला भी बन के आ गया लाइक दिस। जस्ट इमेजिन गाइज कि हाउ गुड इट इज। अब एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट जनरेशन पे चलते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर थोड़े बहुत ट्विक्स करूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, फोटो रियल चाहिए मुझे, मतलब रियलिस्टिक फोटो होनी चाहिए, बहुत रियलिस्टिक, कार्टून भी नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इस पे जनरेट कराता हूं। अब इसका जो प्रॉम्प्ट था वो ये था, फ्रॉम द पेजेस ऑफ कॉमिक बुक टू अ स्टनिंग विजुअल विटनेस सुपरमैन इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एज ही एफर्टलेसली बैलेंसेस ऑन हिज बाइसाइकिल, द डिटेल्ड रेंडरिंग ऑफ द मसल्स एंड द बाइक्स इंट्रिकेट डिजाइन विल लीव यू इन अ awe, राइट? अब देखो गाइस ये इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने लिया था, क्या लिया था गाइस, फोटो रियल। फोटो रियल का कमाल देखो, ये है रियल फोटो, जस्ट लुक एट इट गाइस, बकायदा बाइसाइकिल चलाता हुआ सुपरमैन और हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस के साथ। तो गाइज ये थी कहानी पूरी आज AI आर्ट का, बनाने से लेके फाइवर में उसका गिग बना आप इन लोगों की तरह अर्न कर सकते हो जो कि बिल्कुल न्यू है आपके जितने, क्योंकि आप भी अगर आज गिग बनाओगे तो आप भी न्यू हो, और ये सारा न्यू प्रोफाइल है जो कि तकरीबन दो दो तीन तीन ऑर्डर्स क्यू में लेके बैठे हैं, मतलब इतनी डिमांड है एक तो इस पर्टिकुलर गिग की, और ये कह सकते हो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी खतरनाक है कि लोगों को भर भर के ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं। तो आज आपको ना ही मैंने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए टूल कौन सा चाहिए जो कि फ्री में मिलेगा वो भी बताया। तो आशा कर सकता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने लाइक के लिए कहीं पर भी अपील नहीं किया। मुझे लग रहा है बहुत लोग अभी तक छोड़ के भी चले गए होंगे, लेकिन जो मेरे लॉयल व्यूअर हैं वो अभी तक पूरा देख रहे हैं, क्योंकि लाइफ में उनको ही वैल्यू चाहिए, उनको कुछ करना है बढ़िया, इसलिए वो पेशेंस रखे हर चीज को, जहां से लर्निंग मिलती है वो लास्ट तक टिकते हैं। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कर लोगे तो आपको ऐसे वीडियोस मैं रेगुलर यहाँ पर देता रहूंगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बस मैं आशा करूंगा कि आप आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अपने लाइफ में एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे, और यूं ही दिमाग ठनकाते रहिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।